गुड मॉर्निंग मैम। तो हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो आप? आई एम फाइन, हाउ आर फाइन, यू? आई एम परफेक्टली फाइन। एंड लुकिंग एट ऑल योर फेसेस, इट बिकम्स अ बेटर डे फॉर मी। ओ माय गॉड, द डे क्रेयॉन्स क्विट। व्हाई विल दे क्विट? व्हाट आर देयर स्लोगन्स? क्या बोल रहे हैं क्रेयॉन्स? Oh, it's lovely. I really like This is a Duncan story. Okay. The way the crayons. Okay. And they complain to Duncan that why do you use blue so much? Why don't you use paint colors? Okay. Girl color. Why don't you use me? So all the crayons, they are very sad and they'll write letters to Duncan, and it's very lovely how. From the crayons perspective, how they are thinking. That's a lovely story. I would please share it with me. I would love to read one. This one. I got it from Amazon. The day the crayons quit. It's very nice story. Oliver Jeffers. Okay. The title sounds quite interesting. And one yellow crayon and orange crayon, they fight over that which is the color of sun. Yellow says, I want to be the color of sun. Orange says, I want to be the color of sun. Okay, that's a really interesting one. I would love to read this. Yes, it would be a nice collection for you as well. That's true. Good morning, everybody. Good morning, Suhalia. Good morning, Mivan. So slowly, gradually, all our friends are joining in, right? क्या आपको याद है हम लोग जो पहले करते थे स्वर स्वर का जॉली फोनिक्स जो करते थे वो क्या आपको याद है? अ अ से अनार। हाँ, आपको याद है? क्या हम लोग उसको एक्शंस करेंगे साथ में मिलके? Will we do it together? Yes, come on. चलो विवान, आप मेरे को देख के करना, ठीक है? देन यू विल बी एबल टू फॉलो मी। ओके, राइट, कम ऑन, लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर, कम ऑन, लेट्स डू इट टुगेदर। द स्वर का जॉली फोनिक्स कैसे होता है? A, a, a say an R, a, a, a say an R, a, a, a say an R, khai bal gopal, a, a, a say am, a, a, a say am, a, a, a say am, phalo ka raja am, e, e, e say istri, e, e, e say istri, e, e, इसे इस्त्री कपड़े पहने हम, ई ई इसे इशू, ई ई इसे इशू, ई ई इसे इशू हमारे प्यारे इशू, उ उ उसे उल्लू, उ उ उसे उल्लू, उ उ उसे उल्लू रात को जागे उल्लू, उ उ उसे ऊन, उ उ उसे ऊन, ऊ उसे ऊन स्वेटर बुनती मम्मा। देन ए ए ए से एड़ी, ए ए ए से एड़ी, ए ए एड़ी कहाँ है तुम्हारी एड़ी? दिखाओ चलो कहाँ है तुम्हारी एड़ी। यस, ए ए ऐसे ऐनक, ए ए ऐसे ऐनक, ए ए ऐसे ऐनक साफ दिखाए ऐनक, ओ ओ ओ से ओखली, ओ ओ ओ से ओखली, ओ ओ ओ से ओखली कूटो इसके अंदर, ओ ओ ओ से औरत, ओ ओ ओ से औरत, ओ ओ ओ से औरत मम्मा मेरी औरत, अंग 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 से अंडा, अंग 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 से अंडा, अंग 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 से अंडा ताकत देता अंडा, अह से होता कुछ भी नहीं, अह से होता कुछ भी नहीं,
आह से होता कुछ भी नहीं, बच्चों बजाओ ताली। आपको पता है क्या आज हम लोग ने स्वर वाला क्यों किया? Do you know why did we do this? क्या आपको पता है हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा किया क्योंकि आज हम लोग किसी के घर जाने वाले हैं। किसके घर जाने वाले हैं पता है आपको? किसके घर जाने वाले हैं? दिखाती हूँ मैं उसका घर, रुक जाओ। आपको ये देखो, ये किसका घर है? क्या आपको पता चल रहा है ये किसका घर है? यस, जैसे आपके घर के पास सामने आपके नाम का या पापा मम्मी के नाम का नेम प्लेट रहता है ना, वैसे देखो यहाँ पे भी नेम प्लेट लिखा हुआ है। किसका घर है ये बताओ? ये है आ का घर। ठीक है, अब हम लोग आ के घर जाने वाले हैं, पर आ के घर जाने के पहले मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। पता है क्या? आ जो स्वर है, आ जो स्वर है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आ, ये अ बना और उसके पीछे एक और स्टैंडिंग लाइन लगा दी तो ये बन गया आ, है ना? ये क्या बन गया? आ। अब क्या होगा पता है? इन सब स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्रा यानी वो अपना साउंड देते हैं और उसको डिनोट किया जाता है उसकी मात्रा के थ्रू। ठीक है, उसकी मात्रा के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये इसका साउंड है। ठीक है, तो आ की मात्रा कैसे होती है पता है? ये जो पीछे में इसका जो ये स्टैंडिंग लाइन लगता है ना अलग से अ के बाद, वो उसकी मात्रा है। ठीक है, वो है उसकी मात्रा। ओके, तो आ की मात्रा कैसी हुई? देखो एक ऐसा स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, और ये आ की मात्रा कहाँ लगती है पता है? हर व्यंजन के पीछे आती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लिखेंगे क और क के साथ मुझे अगर आ की मात्रा लगानी होगी, देखो ये है, क्या है ये? क। ठीक है, और क के पीछे मुझे क्या लगाना है? आ की मात्रा। तो मैं ये उसके बाद में लगाऊंगी, क लिखने के बाद हम उसके आ की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन लिखेंगे और दोनों के ऊपर मिला के एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ठीक है, जॉइन करके स्लीपिंग लाइन बनाएंगे हम लोग। तो ये क्या साउंड बनाएगा? देखो ये क है, क के साथ जब हम लोग आ की मात्रा को साथ में ब्लेंड कर देते हैं, हम लोग जब साथ में बोलेंगे तो क्या साउंड बनेगा? वो साउंड बनेगा का। ठीक है, क के साथ आप बोलेंगे आ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? का। चलो एक एक करके मैं सबके नाम लेती जाऊंगी और आप सबको अनम्यूट करके मुझे बताना है कि क के साथ आ की मात्रा क्या बन जाएगा। कम ऑन अनवी, टेल मी क्या बनेगा? का। वेरी गुड। अब मैं आपको सबको एक एक चांस मिलेगा। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे? सारे व्यंजन के साथ आ की मात्रा मिलाएंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स गो बैक टू आ की मात्रा के, आ के घर में चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये है किसका घर? आ का घर है। ठीक है, और पता है क्या, आज आ के घर में पार्टी है। ठीक है, आ के घर में आज पार्टी होने वाली है और आने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलवाया है। क्या आप मिलना चाहोगे उन फ्रेंड्स को? डू यू वॉन्ट टू मीट दोस फ्रेंड्स? वो सारे फ्रेंड्स कहाँ से दिखेंगे पता है? ये जो एक विंडो है ना, खिड़की, वहां से आपको वो सारे फ्रेंड्स दिखेंगे। और क्योंकि आ उसका फ्रेंड है तो उसने अपनी मात्रा उसके साथ दी है। देखो यहाँ पे उसकी आ की मात्रा लगी हुई है। देखो एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में क्या है ये? स्लीपिंग लाइन। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। चलो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फ्रेंड आ के घर में, उसके घर
पार्टी करने के लिए आया है, आप देखना चाहोगे? यस, अभी इस टाइम में जब क से लेके अंग तक अनवी मुझे हेल्प करेगी बोलने के लिए, उसके बाद फिर मैं सबको एक एक चांस दूंगी एक एक लाइन में, ठीक है? देखो पहला स्वर कौन, पहला व्यंजन कौन सा आया? क। के साथ आपकी मात्रा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? क के साथ आ की मात्रा लगाओ। यस, हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद कौन सा फ्रेंड आया उसका? ख। ख के साथ आ की मात्रा लगाओ। देखो ये आ की मात्रा, क्या साउंड मिलेगा? हाँ, वेरी गुड। अब क्या, कौन सा फ्रेंड आया? ग। ग के साथ चलो आ की मात्रा लगाते हैं, कौन सा साउंड बन जाएगा? ग के साथ आ की मात्रा लगेगी तो बनेगा गा। वेरी गुड। अब ये क्या है सुफियान? अभी भी तो आपका चांस नहीं है, आप म्यूट पे रहो। अभी अनवी का चांस है, मैं आपको भी चांस दूंगी। वेरी गुड। घ। घ के साथ अगर आप आ की मात्रा लगाओगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, वेरी गुड। और पता है क्या, ये जो अंग है ना वो आ का फ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो उसके घर में नहीं गया, क्योंकि उसके साथ आ की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है? अंग के साथ आ की मात्रा नहीं लगती है। ओके, नाउ थैंक यू अनवी। नाउ आई वॉन्ट मिवान टू हेल्प मी आउट। मिवान, ओके। घ के बाद अब ये कौन सा स्वर आया, कौन सा व्यंजन वर्ण आया, बताओ जल्दी से। च, ठीक है? बताओ च के साथ अगर हम आ की मात्रा जो साउंड आएगा, च के साथ आ की मात्रा लगेगी तो क्या साउंड बन जाएगा? चा। चा, वेरी गुड। अब ये च के बाद एक और फ्रेंड आया उसका छ। छ के साथ भी आ की फ्रेंडशिप है तो वो अपना साउंड छ को भी दे रहा है, तो छ के साथ आ की मात्रा को जोड़ के बताओ। छ के साथ आ का साउंड जोड़ो और बताओ क्या बन जाएगा? छ के साथ आ भी जोड़ के बताओ। हाँ, वेरी गुड। अब ज है, ये ज के साथ आ की मात्रा जोड़ के बताओ क्या साउंड बनेगा? ज के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा हा। वेरी गुड। अब झ है, ये झ के साथ अगर हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? झा। वेरी गुड। और झ के बाद आता है इय, और इय भी आ का फ्रेंड नहीं है, वो कभी आ के साथ नहीं जुड़ता, इसीलिए वो उसके घर में नहीं गया है, ठीक है? चलो अब थैंक यू मेवान। अब ईशानवी का टर्न है। ईशानवी पॉल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। झ के बाद अब ये किसके साथ आ? ज के साथ आ की मात्रा ता। वेरी गुड। अब ये क्या है? थ। थ। था। वेरी गुड। अतुलिया प्लीज म्यूट योर सेल्फ डियर, आई गिव यू अ चांस लेटर, ओके? वेरी गुड। अब ये क्या बन गया? वेरी गुड। और पता है क्या, भी आ की मात्रा नहीं बनती है, ठीक है? नहीं नहीं है, ये उसके साथ आ की मात्रा नहीं लगती। थैंक यू शानवी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग आउट। नाउ अतुलिया विराज, कीप योरसेल्फ ऑन अनम्यूटेड एंड हेल्प मी आउट। चलो ये क्या है? तो
त के साथ आ की मात्रा जोड़ के बताओ क्या बन जाएगा? ता। ता। वेरी गुड। और अब ये क्या हुआ? थ। थ के साथ आ की मात्रा? यस। था। था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब ये द की मात्रा ध। द के साथ आ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा द की मात्रा दा। दा, दा, द के साथ आ की मात्रा दा। वेरी गुड। अब ये द की मात्रा धा। धा, ओके, द के साथ आ की मात्रा धा। वेरी गुड, यू आर ट्राइंग रियली वेल। अतुलिया न की मात्रा ना। न के साथ आ की मात्रा ना। वेरी गुड, गुड जॉब अतुलिया। Now it is going to be Sufyan's turn. Sufyan, चलो unmute करो बेटा और मुझे बताओ। Sufyan का चांस है बेटा। Sufyan, unmute करो Sufyan। अब सूफियान बताएगा। चलो सूफियान, ये क्या है, कौन सा व्यंजन वर्ण है बताओ? वेरी गुड। प के साथ जब आ की मात्रा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? इससे कौन सा साउंड बनेगा? पा, जैसे आप पापा बोलते हो ना, वही वाला पा। ठीक है, अब ये है फ। फ के साथ आ की मात्रा जोड़ के बताओ। साथ में जोड़ जोड़ के बोलो क्या होगा? फ और आ साथ में बोलो फा। 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 ठीक है, अब ये क्या है? ब, ब, है ना, ब के साथ आ की मात्रा ब आ, आ क्या बन जाएगा? ब, ब। ठीक है, अब भ, भ आ, आ भा, हा। और ये क्या है? ये है म। ठीक है, म के साथ आ जोड़ो। म आ म। ओके, नाइस ट्राई, नाइस ट्राई सुफियान। नाउ इट्स गोइंग टू बी सुहालिया'स टर्न। सुहालिया, अनम्यूट योरसेल्फ डियर। यस मैम। डियर, सो ये क्या है बताओ जल्दी से। य है ना, य, य, आ, क्या बन जाएगा? साथ में बोलो य और आ, दोनों को साथ में बोलो य आ या। ठीक है, यस। अब ये य के साथ क्या आया? ओके, र आ क्या बन जाएगा? चलो र, र आ रा। वेरी गुड, ये क्या है? ल, ल, वेरी गुड, ल आ ला। वेरी गुड, अब ये क्या है?
कौन सा फ्रेंड है अब? व है ना, व व आ बा, ठीक है, गुड जॉब, नाइस ट्राई। चलो अब हम लोग सब साथ में बोलेंगे, नाउ ऑल ऑफ अस विल स्पीक टुगेदर, ठीक है। श आ शा, चलो सबको बोलना है साथ में, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू स्पीकिंग। श आ शा, ओके, कीप योरसेल्फ्स ऑन म्यूट एंड स्पीक, आई वॉन्ट ऑल द लिप्स, आई वॉन्ट टू सी ऑल द लिप्स मूविंग, कम ऑन। ये क्या है? ये भी श है, तो श के साथ आ की मात्रा शा, ठीक है। अब ये क्या है? स, स के साथ आ की मात्रा सा, ठीक है। अब ये क्या है? ह, ह के साथ आ की मात्रा हा, ठीक है। अब ये है क्ष, क्ष के साथ आ की मात्रा क्षा, ये है त्र, त्र के साथ आ की मात्रा त्रा, फिर ये क्या है? ज्ञ, ज्ञ के साथ आ की मात्रा ज्ञा, ठीक है। और ये है आखिरी श्र, श्र के साथ आ श्रा, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा कि आ की मात्रा के साथ जब हम लोग व्यंजन वर्ण को जोड़ते हैं तो एक अलग साउंड निकलता है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आपको होमवर्क करके रीड करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके वर्ड्स रीड कर पाए, ठीक है। आप लोग को रोज रोज प्रैक्टिस करना है रीडिंग हिंदी का ताकि आप लोग वर्ड्स इजीली रीड कर पाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? वी आर गोइंग टू रीड सम न्यू वर्ड्स, ओके। नाउ यू नो व्हाट, which letter is this? Who will tell me? Okay, Sufyan, tell me, ye kaun sa letter hai? O. Very good. And I want all of you to make the sound of O. O makes the sound O. O makes the sound O. Okay. बट आपको पता है ओ का साउंड तो ओ है, लेकिन जब दो ओ एक साथ आते हैं, when there are two O's together, किसी भी वर्ड में when you get to see two O's together, it does not make the sound of ओ, it changes its sound. और पता है क्या साउंड करता है वो? It makes the sound of ooh. ठीक है, ऊ, ऊन का, ऊ का जो साउंड होता है ना, वही साउंड ये ऊ करता है, ओके। कम ऑन, लेट्स प्रिटेंड टू हाउल लाइक वुल्व्स, कम ऑन, इवन द वुल्व्स मेक द सेम साउंड ऊ, कम ऑन ऑल ऑफ यू, लेट्स मेक द साउंड ऑफ द हाउलिंग ऑफ वुल्व्स, ऊ, यस, दैट्स द साउंड व्हिच द टू ओस टुगेदर विल मेक, ठीक है। वही साउंड जब दो ओ एक साथ आप देखेंगे तो आपको वही साउंड निकालना है, ठीक है। नाउ यू नो व्हाट, कितने दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या पता है? अभी क्योंकि कोविड टाइम है ना, इसीलिए मैं नहीं खा पा रही हूँ, लेकिन मैंने उसका सिर्फ फोटो रखा है अपने पास। ये क्या है? व्हाट इज दिस? Who will tell me? Anvi, can you tell me? What is this? Man, ice cream. Ice cream. Okay. Sufyan's too excited. But you know, during COVID times, we have to be very careful.
और आइसक्रीम नहीं खाना है। चलो अन्वी आप मुझे बताओ कि आइसक्रीम जब हम लोग खाते हैं तो कैसा फील होता है? कूल, यस। सो व्हेन वी से द वर्ड कूल, कैन यू हियर द ऊ साउंड? क्या आपको उसमें ऊ साउंड मिल रहा है बीच में? यस, बोलो एक बार, कूल है ना। चलो लेट्स रीड, यस लेट्स रीड, कम ऑन। क cool, the ice cream is cool, right? Yes, now let's read the next word. Okay, come on Atulya, Viraj, can you unmute yourself and tell me what is this you get to see in the sky at night? Yes, Chanda Mama hai. Isko hum log English mein kya bolte hain? चंदा मामा दूर के तो है बेटा ये। इसको अगर आपको इंग्लिश में बुलाना हो तो आप इसका नाम क्या बोलोगे? चंदा मामा का नाम मून। देखो आपके फ्रेंड सुफियान ने आपको हेल्प किया, थैंक यू सुफियान फॉर हेल्पिंग। नाउ अतुलिया, आप जब मून साउंड सुनते हो तो क्या आपको उसमें ये दो ऊ साउंड आता है? डू यू हियर द ऊ साउंड? यस यस, कम ऑन अतुलिया, लेट्स रीड मून, कम ऑन। बोलो म म अ अ ऊ ऊ ऊ, बोलो ना ऊ, पूरा पूरा पढ़ो ना, पूरा पढ़ो ना। ठीक है, हाँ वेरी गुड। मून म मून, दिस इज हाउ वी स्पेल आउट मून। ठीक है, अब हु विल टेल मी? मिवान, कैन यू हेल्प मी आउट? ये देखो ये किसका पिक्चर है? आई कैन सी अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द केज, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स दिख रहे मुझे केज के अंदर में। ये कौन सा पिक्चर, किस कहां का पिक्चर है? कैन यू टेल मी? ज़ू, यस, वेरी गुड, स्मार्ट फेलो, वेरी गुड। व्हेन यू से ज़ू, कैन यू हियर द ऊ साउंड? लेट्स स्पेल आउट ज़ू, कम ऑन। ज ज ज़ू, यस दिस इज ज़ू। ओके गुड जॉब। नाउ ईशानवी, आई वांट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ डियर। दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिटिंग, यू कैन सिट ऑन दिस बट इट डज नॉट हैव अ बैक रेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैन यू टेल मी? ईशानवी पॉल, स्टूल, यस स्टूल, यस वेरी गुड। व्हेन यू से स्टूल कैन यू हियर द ऊ साउंड इन द मिडल? यस, कैन यू हियर द ऊ साउंड? यस, लेट्स ट्राई एंड स्पेल आउट स्टूल। ओके कम ऑन, आई विल हेल्प यू विद दिस। एस एंड टी together we make the stir sound. Come on, stir, stir, say stir, stir, yes, so yes, that's how stir. So this is how you spell out stool, stir, ooh, stool. Okay, good job. Now Suhalia, Suhalia, can you please unmute? Yes.
प्रिया कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ डियर. आपको अगर किसी आप अगर सूप पीते हैं तो व्हाट डू यू यूज टू हैव सूप. किससे सूप पीते हैं यू. व्हाट डू यू यूज टू हैव अ सूप. क्या यूज करते हो सूप पीने के लिए. यस यस वेरी गुड स्पून. कम ऑन लेट्स स्पेल आउट स्पून. ओके Suhalia, let's spell out spoon. Okay, how do you spell out spoon? I'll help you. In the initial blends, I'll help you. This is sp. S and P together, the blending sound. Sp. And these two together will make the sound. Ooh. Yes. And here it is na. Na. On, let's spell out. Sp. Oo. Oo. Na. 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 Make the na sound from your nose. Na. Na. Yes. Sp. Oo. Na. Spoon. Okay. जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं. च से चम्मच उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पून. ओके नाउ दिस इज द लास्ट वन. कम ऑन आई वांट ऑल ऑफ यू टू कीप योरसेल्फ्स ऑन म्यूट एंड रीड विद मी. ओके कम ऑन टेल मी ये क्या है. पता है दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड है ना. खाने की चीजें है ना ये अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड राइट. Different kinds of food. Let's spell out food. Come on. F. Come on. I want all of you to speak. I want the lips moving. Come on, girls and boys. F. Ooh. Ooh. D. Food. Okay. When you, how do you spell out food? F. Ooh. D. Food. Okay, this is how you will spell out food. Okay, now can you think of some other words that also have oo sound in the middle? Can you think something else? Mm. Think of something else that has the moon. Moon, moon, yes, but can you think of something else? That makes the oo sound. Anybody? Moon. Yes. Moon, spoon. Yes. But कुछ और जो oo sound बनाता है. Book. Yes. It's the book, right? So let's spell out book. देखो. B. B. O. B. B. O. O. K. Book. Okay. B. O. K. Book. Now, हम लोग ने क्या किया था? उसे ऊन स्वेटर बुनती मम्मा. ऊन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Yes, it is called wool. Come on. Let's spell out wool. Okay, come on. This is w. W. Wool. Wool. Yes. Okay. W. Wool. Wool. So today we learned that two O's together will make the sound ooh. Okay. Now, मैं आप सबको एक एक फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी. आपको उसका फोनिक साउंड बताना है. ठीक है जिसको जो फ्लैश कार्ड मिलेगा वो उसका फोनिक साउंड बताएगा. कम ऑन क्विकली अन मी टेल मी द फोनिक साउंड. व्हेन टू ऑल टुगेदर इट विल मेक द साउंड ooh. वेरी गुड ईशानवी. इफ देयर इज ओनली वन ओ व्हाट साउंड विल इट मेक.
O says Ishanvi Paul, can you please tell me if there is only one O, what sound will it make? O says O. Yes, unmute yourself and tell me, dear. O says O says O. O. Say aurat wala O. Okay. O. Come on, very good. Now, Suhalia, can you tell me when the two O's come together, what sound does it make? Ooh. Ooh, very good. Sufyan, two O's together, what sound will it make? Ooh. Very good. Mivan, tell me what sound will it make, two O's together? Yes, it makes the oo sound. And Sufyan, who else is left? Atulya Virat, tell me when two O's together, what sound will it make? Atulya? Ooh. Ooh, very good. So today we learned that two O's together will make the sound ooh. Okay. Aur hum log ne kya sikha? हिंदी में सीखा कि आ की मात्रा जब हम लोग सब व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ेंगे तो क्या साउंड बनेगा. आपको ये प्रैक्टिस करना है. इसमें हम लोग आ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको आ की मात्रा ब्लेंड करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है? सो फॉर नाउ गुड बाय ऑल ऑफ यू, सी यू क्लास. Have a lovely you, ma'am. Thank you. Bye. Say goodbye to your friends. Hold on, thank you. Bye. Bye, ma'am. Bye, dear. Bye. Thank you, ma'am. Welcome, dear. The pleasure is mine. Come on. Goodbye. Bye.